भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेंटर रीवा संभाग कार्यालय का शनिवार को हुआ शुभारंभ। मंत्री राजेंद्र शुक्ल, महापौर ममता गुप्ता सहित जिला अध्यक्ष रहे मौजूद। शनिवार को झिरिया के पास स्थित पुराने भाजपा कार्यालय में संभागीय भारतीय जनता पार्टी मीडिया सेंटर का शुभारंभ मंत्री राजेंद्र शुक्ल के हाथों किया गया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी पूरे प्रदेश में विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। 15 सालों में जो काम किया है उसका असर दिखाई भी दे रहा है। सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर काम किया गया है। विरोधियों के पास कुछ भी बचा नहीं है कहने को, इसलिए निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। ये चुनाव रीवा जिले में और पूरे मध्य प्रदेश में विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। ऐसा आप जानते हैं, सिर्फ चुनाव के समय ही नहीं, पिछले 15 वर्षों के शासन काल में लगातार हम लोगों ने यदि अपने एक एक क्षण का उपयोग किया है सिर्फ रीवा के और मध्य प्रदेश के विकास के काम में ही किया है, और उसका असर दिखाई भी दे रहा है। विरोधी भी इस बात से इनकार नहीं कर पाता है कि हमने विकास नहीं किया, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो, व्यापक स्तर पर उस पर इस तरीके से अभूतपूर्व काम हुआ है। अब विरोधियों के पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, इसलिए अनर्गल आरोप लगाने के अलावा, झूठे प्रचार करने के अलावा, अफवाह फैलाना, इस प्रकार के ही हथकंडे उनके पास रह गए हैं।